नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो सेट बनाया है, तो प्रथम सेट है जो एसएससी में इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनते हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को बिना कुछ टाइम ख़राब किए। और सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो कौन सा दूसरा स्थान है, ठीक है दोस्तों। और प्रथम स्थान पे कौन है, चाइना, ठीक है दोस्तों। और चलते हैं नेक्स्ट। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन कैसे बनता है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952 ईस्वी में आरम्भ किया गया था, ठीक है दोस्तों। कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब लागू गई, तो 1952 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो ए टेल ऑफ टू सिटीज़ के लेखक कौन है, ठीक है दोस्तों। तो कौन है, चार्ल्स डिकेंस, ठीक है दोस्तों, कौन है, चार्ल्स डिकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माई स्टोरी के जो आत्मकथा है किसकी है, माई स्टोरी आत्मकथा है मार्टिना नवरात्रि लोबो की, ठीक है दोस्तों, किसकी है, मार्टिन नवरात्रि लोबो की, ठीक है दोस्तों। ये क्या, कौन सी टाइम, माई स्टोरी, ठीक है दोस्तों, ये पुस्तक है, आत्मकथा है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस कब बनाया जाता है, क्वेश्चन आ सकता है, तो 12 जनवरी को, ठीक है दोस्तों, 12 जनवरी को बनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वह प्रथम देश जिसने महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया, न्यूजीलैंड, ठीक है दोस्तों, न्यूजीलैंड विश्व में पहला ऐसा देश है जिसमें महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया, मतलब चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया, ठीक है दोस्तों। और देख लेते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करें तो वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट, ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट वॉशिंगटन में है, ठीक है दोस्तों, कहाँ पर, वॉशिंगटन में, क्या है, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट, ठीक है दोस्तों। इसमें मशीनी संबंधित जो घड़ी वगैरह के संबंधित जानकारी दी जाती है। और प्राकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं प्राकलन समिति के बारे में, तो लोकसभा के ही सदस्य होते हैं प्राकलन समिति में, राज्यसभा का एक भी सदस्य नहीं होता। प्राकलन समिति के बारे में बता दूं दोस्तों, तो प्राकलन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो, उसका चुनाव कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष उसका अध्यक्ष चुनाव करता है, ठीक है दोस्तों। और देख लेते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है, लाइकोसोम की खोज किसने की और कब, लाइकोसोम की खोज किसने की थी, और डी डूबे ने की थी और कब की थी, 1955 में की थी, ठीक है दोस्तों। लाइकोसोम की खोज किसने की थी, डी डूबे ने की थी, ठीक है। लोकसभा को जनता का दल कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस सदन को जनता का दल कहा जाता है, तो लोकसभा को, ठीक है दोस्तों। और ये एक अस्थायी सदन है, स्थायी सदन पूछा जाए तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट, वर्णता से संबंधित रंग लाल व हरा नहीं दिखाई देता, लाल व हरे में फर्क नहीं कर पाता, कौन सा वर्णता से संबंधित रोगी, ठीक है दोस्तों, जिसे, ठीक है दोस्तों। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लाल व हरा याद रखना है आपको, ठीक है दोस्तों, ये फ़र्क नहीं कर पाता रतुंदी नामक रोग, ठीक है दोस्तों। और केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह व वटकेश्वर दत्त ने बम फेंका था, ठीक है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है, केंद्रीय असेंबली ने किसने बम फेंका था, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, ठीक है दोस्तों, बटुकेश्वर दत्त को फांसी दे दी गई थी भगत सिंह को, ठीक है दोस्तों। देख लेते हैं और, तो और है नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट है दोस्तों, जो राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब और किस ने किया था, ठीक है दोस्तों। तो राष्ट्रीय आय की समिति का गठन 1949 में पीसी महालोवसिन की अध्यक्षता में किया था, ठीक है दोस्तों। और बात करूँ सुंदरबन या मेघोब डेल्टाई पश्चिमी बंगाल में पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 15 क्वेश्चन नंबर 15, जो सुंदरबन या मेघोब डेल्टाई कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिमी बंगाल में पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।